नमस्कार साथियों, सहारा का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और इसमें कहीं से दो राय नहीं। चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, या विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, या दूसरे संगठन हो, ये जो है अपने अपने स्तर से संघर्ष करते रहे हैं और एक बड़ा माहौल देश में देखने को मिला। और यही वजह रही कि सारा निवेशकों के लिए केंद्र सरकार को सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करना पड़ा। हालांकि उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं और एक तरह से सारा निवेशकों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन जो ये माना जा रहा था कि 2024 के चुनाव से पहले, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले ये जो आंदोलनकारी हैं इतना दबाव केंद्र सरकार पर बना देंगे कि सारा निवेशकों के साथ जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों को भी जो है उनके पीड़ितों को भी पैसा मिल जाएगा, ऐसा जो है अब देखने को नहीं मिल रहा है। बट्स एक्ट के तहत जो लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आज़ाद, उनमें तो देखने को मिल रहा है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बट्स एक्ट के तहत जो है एक तरह से यूपी सरकार में कैबिनेट के द्वारा एक फैसले जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो वो दावा कर रहे हैं कि साहब जो है बट्स एक्ट के तहत जो है वो बड़े स्तर पर भुगतान होने जा रहा है। हालांकि अभी कोई बड़े स्तर पर भुगतान हुआ नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने तो अनोखा आंदोलन शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिदेव शुक्ल, उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की जो है वो घोषणा कर दी है और अपने जो पदाधिकारी हैं, निवेशक जो हैं सारा के, उनसे आह्वान किया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो प्रत्याशी बने और चुनाव लड़े। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या चुनाव लड़कर सारा निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? क्या यदि एक दो विधायक यदि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बन भी जाता है तो क्या भुगतान हो जाएगा? या ये कहें कि पहले आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पार्टी बनने के बाद में उनकी सरकार बनवाइए प्रदेश में, केंद्र में, तब वो भुगतान कराएंगे। और जिस तरह से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सोशल मीडिया पर प्रचार कर चंदे की मांग करता रहा है, अब उन्होंने जो है जन आंदोलन जो है पार्टी जो बनाई है भारतीय जन आंदोलन पार्टी, उसके तहत भी उन्होंने जो है चंदा मांगने की शुरुआत कर दी है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 2024 के चुनाव से पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाकर जो है वो भुगतान करा दिया जाएगा या भुगतान हो जाएगा, उसकी दूर दूर तक कोई संभावना जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। या ये कह सकते हैं जो नेतृत्व करता है संगठनों के, वो अपने स्वार्थ में उलझ गए हैं, जबकि बीच में एक बड़ा प्रयास ये हुआ कि सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करें। और ये कहा जा रहा था कि जिस दिन 4 से 5 लाख निवेशक जो है वो किसी भी जगह पर, चाहे दिल्ली की राजधानी जो है देश की राजधानी दिल्ली में जुटा दिया जाए और कहीं प्रदेश की राजधानी में जुटा जाए, कहीं पर भी जुटा जाए, तो एक बड़ा दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर बनेगा। लेकिन सारे दल जो है वो अपने अपने स्तर से जो है वो संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सब जो हैं जो उनके नेतृत्वकर्ता हैं वो स्वार्थवश कहें या उनमें टूट कहें या एक दूसरे के प्रति जो है वो एक तरह से जो है भेदभाव कहें, तो ये जो इस समय देखने को मिल रहा है कहा जा सकता है कि आंदोलन कमज़ोर हुआ है। और इस आंदोलन की कमजोरी का फ़ायदा न केवल सरकार उठाएगी बल्कि जो ठगी कंपनियां हैं उनके निदेशक भी उठाएंगे। और एक बड़ा प्रयास किया गया कि साहब सब मिलकर जो है एक बड़ा आंदोलन करें, लेकिन वो दूर दूर तक होता जो है वो सफल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि लगातार आंदोलन होते रहते थे सारा निवेशकों के या दूसरी ठगी कंपनियों के, लेकिन अभी गत दिनों जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने 2 अक्टूबर को राजघाट पर गांधी जी समाधि पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करने का दावा किया था, और मदन लाल आज़ाद जो है जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने दावा किया था कि साहब हम किसी को पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को जो है उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि उन्हें 4 बजे जो है अरेस्ट कर लिया गया। और वो सारे निवेशक जो रामलीला मैदान पर जो दावा किया जा रहा था कि 4 से 5 लाख निवेशक जुटेंगे, वो सारे रामलीला मैदान में जुटे और कोई बड़ा जो है उसका परिणाम देखने को नहीं मिला। जबकि मदन लाल आज़ाद का ये दावा था कि 2 अक्टूबर से जो है मैं भुगतान शुरू करा दूंगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा दबाव जो है इस सरकार पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी जिन निवेशकों को आंदोलनकारियों को समझना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले यदि भुगतान हो जाता है
तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई दूर दूर तक संभावना सारा निवेशकों की या दूसरी ठगी कंपनियों की भुगतान की नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलनकारी हैं किस स्तर पर जो है वो आंदोलन करते हैं या राजनीति में उलझ जाते हैं, अब कितना भुगतान जो है इन निवेशकों का होता है या नहीं होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।